ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ 10 ಮೈ ಯಾನೆ ಅಗಲೆ ಬುಧವಾರ ಕೋ ಮತದಾನ ಕಾ ದಿನ ಬಹುತ್ ದೂರ ನಹೀ ಹೈ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ ನಂಬರ್ 1 ಬನಾನಾ बीजेपी का संकल्प है कर्नाटक में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटक को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। ये हमारा आने वाले वर्षों का रोड मैप है। वहीं कांग्रेस वोट मांग रही है और क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कह रही है जाकर के, वो कहती है कि हमारा एक नेता रिटायर्ड होने वाला है, अब वो जा रहा है, जाते जाते एक दे दो। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं, और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, बहुमत दा बीजेपी सरकारा। बंधु भगिनी, अरे दक्षिण कन्नड़ और उडुपी शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर्स के लिए जाने जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कर्नाटका को देश में नंबर 1 बनाने का क्या मतलब है। हमारा प्रयास है कि कर्नाटका औद्योगिक विकास में नंबर 1 बने, बनना चाहिए ना, जरा जोरों से जवाब दीजिए, बनना चाहिए ना, नंबर 1 बनना है ना, कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है ना। हमारी कोशिश है कि कर्नाटका कृषि विकास में नंबर, कर्नाटका को फिशरीज और पोर्ट्स में नंबर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका का यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा में ये हमारा राज्य नंबर
बीजेपी कर्नाटका को विकास के हर क्षेत्र में क्या बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर वन एटीएम बनाना चाहती है और हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका को दशकों पीछे ले जाकर गड्ढे में गाड़ देगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना।